इसी घड़ी में जनहित संघर्ष मोर्चा के साथ की आंदोलन की मुहिम चलाने वाले सभी साथी, मैं उनको आपका नाम बताना चाहूंगा कि जिन्होंने जनहित के कार्य में लगे हमारे साथी भाई एडवोकेट बनवारी जी बिजारनिया, आज 16 महीने बहुत होते हैं साथियों, 16 दिन नहीं निकाले जाते हैं, 16 महीने से इस आंदोलन में लगे हुए हैं और दिन रात एक करके आपने देखा होगा रात्रि को ही इस पूरे सामान को सुरक्षित किया और सुबह तक यहाँ डटे रहे। यादव जी मोंड, साथी किशनलाल जी छरंग, भाई पीताराम जी जानी, भाई लेटोल था वो है, उनकी टीम ने किया था। मैं धन्यवाद में हुए थे, लेकिन पूरे चूरू जिले के अंदर बहुत सारे टोल आते हैं, बहुत सारे किसानों के बड़े नेता भी हैं, लेकिन संघर्ष और बड़े चुजारू साथी 63 दिन दुकान कौन खोली जाए, कनार कनार छुट्टी भी राखनी पड़े, 16 महीने से इस जिले के आंदोलन में साथी डटे हुए हैं। इस आंदोलन में हमारे साथी जब 7 दिनों तक चक्का जाम होने के बाद में प्रशासन से वार्ता हुई, जयपुर सीएमओ में हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी सुजान गढ़वाल लाडनो बिनासर कातर के संपूर्ण साथियों को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया गया। जब वार्ता में जयपुर गए तो हमारे साथी जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने एक बात कही थी कि धन्यवाद देते हैं कि आप सुजला क्षेत्र के नागरिकों को और आपकी टीम को जिन्होंने 7 दिनों तक ऐतिहासिक चक्का जाम किया, 9 दिनों तक संपूर्ण सुजानगढ़ का बाजार बंद रहा। मैं धन्यवाद देता हूं सुजला क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारी भाइयों को, हमारे टैक्सी यूनियन के भाइयों को जिन्होंने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। हमें फैसला चाहिए, बताओ साफ शब्दों में बता दो हमारे सुजला क्षेत्र में क्या कमी है। अगर वास्तव में कमी है तो इस कमी को हम आने वाले 5 महीनों में पूर्ति कर देंगे। भेजते हैं किसी भी शख्स को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मैदान में, सुजानगढ़ की जनता और लाल क्षेत्र की जनता धक्के मार मार के बाहर निकाल देगी। दोस्तों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों में कोई कमी है तो वास्तव में कमी है तो हम लोगों को कमी तो बताओ, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। मन तो यह लगे अष्टधातु को बने हुए चीकड़े गड़ागे चाट लागे तो अभी के लगे और क्या है ना भेस का के बीन बजानी और हमारा अशोक जी गहलोत का के बीन बजानी बराबर है। दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही कम समय सुजला की जनता बोलेगी और तुम सुनोगे। हमें चाहिए फैसला, वोटर
लोगों हमें लड़ते हुए, अब हम या तो अब फैसला सुना दो वरना हमारी ये जन संघर्ष मोर्चा वो फैसला सुनाएगी। बहुत दिन हो गए हमें फैसला लेना पड़ेगा। आपको पता गया डीडवाना और कुचामन के बारे में वो जिले की घोषणा की थी, अभी डीडवाना वाले भी रोड पे आ गए हैं, उनको भी पिंकनी दुआ चूसने वाली, जिसमें न तो कोई दूध आता है न कोई शहद आता है। तो ये बिंकनी की जरूरत नहीं है, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमें सुजला जिला चाहिए, सुजला जिला देना पड़ेगा, किसी भी हालत में देना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, ये हमारी चाहे धमकी समझो चाहे चेतावनी समझो, हम खुले चैलेंज के साथ कहते हैं हमें तो सुजला जिला चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और चलते चलते हमारी एक ऐसी एक बनाई है एक ढाणी, जिसको हम वहां बैठकर हमारा एक जन संघर्ष मोर्चा का जिला बनाओ एक मुहिम छेड़ी। उस मुहिम में हमने जब रिप्लाई दे 17 तारीख को जिलों की घोषणा हुई, हमारा सुजानगढ़ वंचित रहा। जैसे ही हमारा सुजानगढ़ का नाम नहीं आया और नहीं आने पर हमारे जनी संघर्ष मोर्चा ने तत्काल बैठक की और इसके लिए क्या करना चाहिए ये हमने तय किया। दोस्तों हम लोग तुरंत वहां से गांधी चौक पहुंचे, सबने ये ऐलान किया मोर्चा ने कि हमें क्या करना चाहिए। सुजानगढ़ के गणमान्य व्यक्ति वहां सब लोग आए और एक ही आवेदन था सबका कि हमारा सुजानगढ़ ये जब जिला नहीं बना है इसके लिए हमें एक बड़ा एक आंदोलन करना चाहिए। तो दोस्तों उस मुहिम में हमारे सुजानगढ़ के सभी हमारे साथ मिलके एक निर्णय हुआ और मोर्चा रोका गया। जैसे ही मोर्चा रुका हमारे सुजानगढ़ के व्यापारी उन्होंने मार्केट बंद की घोषणा कर दी। हमारे टेम्पो यूनियन हमारी जो ठेले है थड़ी है जितने भी लोग हमारी तिरपाल मंडी है। दोस्तों हमारा सुजानगढ़ जिला बनना एक छोटी सी मुहिम में हमारी कमी नहीं है। ये कमी क्यों चल रही है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लाखों लोगों ने ये एक नेशनल हाईवे को जाम किया है। दोस्तों हमारी यहाँ की व्यापार मंडल ले लो, हमारी एशिया के टॉप मंडी सुजानगढ़ आती है, तिरपाल मंडी ले लो, हमारे जैसे रणदी सर या यहाँ की जो तो ये दिखाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से हम चिलचिलाती धूप में हमें कम 16 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमारे इस आंदोलन में अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जू तक नहीं रेख रही है। माननीय आप सुजानगढ़ आना चाहते थे, हम आपका आदर करेंगे, हमारा जिला भी साथ लेके आ जाओ। दोस्तों हमारा आपको मालूम है इस सुजानगढ़ इस सुजला में विश्व प्रसिद्ध चीजें, हमारा यहाँ से लालू से शुरू जाओ जेलवीस भारती जिसका वर्ल्ड में डेंगा अवस्था है, यहाँ सालासर बालाजी, हम जिला मांगना नहीं चाहते। अरे हमारी मांग इतने टाइम से उठ रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे तो जल्दी और सुजानगढ़ को जिला आप दे दो, वरना ये सुजानगढ़ जिला इस बार चूरू जिला आप वहां अपने वोटों के लिए तरसोगे। इस सुजानगढ़ को आप जिला दे दो तो ये हमारी बड़ी मांग है। और इसे मैं आए हुए हमारे सभी माउन और आज तक के इतिहास में सुजानगढ़ की जनता ने जिस भी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है उसका एमएलए चुनकर यहाँ से भेजा है। कभी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस
कभी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, मैं तो मानता हूँ ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सुजलांचल के जिले को बढ़ाना नहीं चाहती। साथियों, बादरा के मलखेड़ा गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहां बोलते हैं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बादरा को जिला नहीं मांगा, नहीं तो बादरा को जिला बना देता मैं। तारानगर के अंदर बुढ़ानिया जी के पास जनता के सामने बोलते हैं कि तारानगर आपके विधायक ने जिला नहीं मांगा, नहीं मैं तारानगर को जिला बना देता। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हम 2 साल से बाहर गाल रहे हैं आपकी, अगर जिला बढ़ाते आप तो सुजलांचल को बढ़ाते। ये बकवासबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। उधर डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ के सभा में बोलते हैं कि वो सुजानगढ़ वाले मेरी बात नहीं मानी, नहीं तो लक्ष्मणगढ़ और सुजानगढ़ को मिला के हम जिला बना लेते। हम डोटासरा जी के पास भी गए थे, मैं खुद उस वार्ता में था। अगर डोटासरा जी सच होते तो हमें बोलते, हम मानते या नहीं मानते हमारी बात है, किसी सुजानगढ़ के लोगों से बात नहीं हुई। साथियों, इस आंदोलन को अपन को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक चूल्हे तक ले जाना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इन सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट की चोट देनी होगी। कुछ लोगों में कुछ राजनेता ये भी पाल पाल रहे हैं कि ये संघर्ष मोर्चा चुनाव लड़ सकता है। कुछ नेता ये गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव किसी बाप की बपोती नहीं है, यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सुजलांचल जिला नहीं बढ़ा, अरे यदि जनता ने आदेश दे दिया तो जरूरी नहीं है लोकतांत्रिक मोर्चा चुनाव भी लड़ सकता है। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच में जिला हो और हम सब मिलकर दिन रात यही मेहनत करेंगे सुजानगढ़ जिला बने। आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी, जब जिला बनाने की मुहिम चल रही थी आप कहाँ सो रहे थे? तो हम सब मिलकर जागने का काम करें और अभी समय है, हम सरकार से मांग करेंगे सब मिलकर तो जरूर जिला बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को याद है कि पिछले लंबे समय से सुजला को जिला बनाने की मांग को लेकर अनेक तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। जन संघर्ष मोर्चा सुजला जिले की मांग को लेकर गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लाकर सर्व समाज के लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि हमारा ये क्षेत्र है सुजानगढ़, जसूनगढ़, लाडनू, आसपास की जो तहसीलें हैं, पंचायतें हैं, उपपंचायतें हैं, उनको मिलाकर के एक सुजला जिला बनाया जाए। दोस्तों, हमारी इस मुहिम को, हमारे इस आंदोलन को सरकार बहुत ही हल्के में ले रही है। अभी मोलासर में सीएम साहब आए थे, हमारी टीम ने वहां पर भी सीएम की सभा में सुजला जिला बनाओ के बैनर और पोस्टर दिखा के सुजला जिले की मुहिम का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए सीएम साहब से हमने मांग की। यहाँ की जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सुजानगढ़ के हैं, लाडनू के हैं, चाहे मोलासर के हैं, उन लोगों ने हमारी उस आवाज को और सुजला जिले की मुहिम को, जब से ये जनहित मोर्चा आंदोलन कर रहा है तब से लेकर आज तक, निरंतर हर तरीके से हमारी मांग को उठाते हैं और वह मांग सरकार और प्रशासन के जरिए सरकार तक पहुंचाने का एक काम करते हैं। मीडिया कर्मियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी सुजला वासियों को, सुजानगढ़ तहसील के तमाम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमें रात और दिन मिलता है। सुजानगढ़ के व्यापारियों का, टैक्सी यूनियन का, टेम्पो यूनियन का, बस यूनियन का, प्रत्येक तबके का जनहित संघर्ष मोर्चा को दिन और रात सहयोग और समर्थन मिलता रहा। हमारे बनवार जी, गुरुदेव जी, रामनारायण जी, तोलानिया जी, ये सराज खान जी, रफी खान जी और
उस मुहिम को एक बार फिर से उसी तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति विशेष ने एक व्यक्ति को मोरा बनाकर जनित संघर्ष मोर्चा के लोगों पर जो झूठा मुकदमा करवाया, मैं उसकी निंदा करता हूं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। कि हमारी ये व्यक्तिगत मांग नहीं है, हमारी ये सुजला जिले की व्यक्तिगत मांग नहीं है। जनित संघर्ष मोर्चा के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, एक व्यक्ति को पकड़ के मोरा बना लिया और झूठे मुकदमे में जनित संघर्ष मोर्चा के करीब 200 लोगों को फंसा दिया। ये न्याय संगत फैसला नहीं है, ये गलत बात है। जबकि यहाँ की पुलिस प्रशासन, सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हमारा हर तरीके से सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जहाँ सुजले जिले की मांग की मुहिम चलेगी, हमारा लाडनू और जसुनगढ़ आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। जब सुजला जिले की आंदोलन की मुहिम तब कमजोर हुई थी, जनित संघर्ष मोर्चा के भाइयों ने मुझसे निवेदन किया था कि हमारे सुजला जिले की मांग एक बात को लेकर कमजोर हुई है, अगर आप चाहो तो लाडनू विधायक मुकेश भाकर का लेटर पेड दिलवा दो, हमारा जनित संघर्ष मोर्चा मजबूत हो जाएगा। हमने जयपुर में ही लाडनू विधायक मुकेश भाकर का हमारे के तमाम पदाधिकारियों को एक दिल की बात बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ में 60 वार्ड है और 60 वार्ड में 60 पार्षद है। उसके अलावा और भी निर्दलीय पार्षद है जिन्होंने चुनाव लड़े थे, जो चुनाव हार गए थे। उन 60 वार्डों में से मुझे एक दो पार्षद को छोड़कर के, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, एक भी अगर बैठा तो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे, नहीं है ना। तो मैं इस मंच के माध्यम से और जनित संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को ये कहता हूं कि आप ये देख लें कि चाहे आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, आप जनित संघर्ष मोर्चा का बैनर सुजला जिला बनाओ के बैनर के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े कर दो, हम आपके साथ में। चाहे लाडनू में खड़े करो, चाहे सुजानगढ़ में खड़े करो, हम सुजला जिले की मुहिम का बैनर लेकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा और आपका एक ही करते हुए एक ही फर्ज, एक ही दावते होगा कि हमारा एक भी वोट उड़कर कांग्रेस और बीजेपी के खाते में नहीं जाना चाहिए। अगर सुजला जिले की घोषणा नहीं होती ना, तो भाइयों यहाँ से एक परिणय एक वचन लेके जाना कि आगामी उम्मीदवार हमारा जो होगा ना, वो जनित संघर्ष मोर्चा का होगा और सुजला जिले की मांग के ऊपर चुनाव लड़ेगा। ये हमारे भविष्य और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों से यही कहना है कि आप सुजला जिले के लिए लड़ो, तब तो हम आपके साथ मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे हक और अधिकार, हमारे दुख और दर्द में जो हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। चुनाव आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे। अब मैं हमारे बीच में को लेकर आज जिंदा होने का सबूत पेश किया। ऐसे क्रांतिकारी साथी जो सुजला जिले के लिए यहां से दूरियां भी कम कर दी है, पार्षद से लेकर और हर ग्रामीण क्षेत्र के लाडनू से भी, हर ग्रामीण क्षेत्र से हर व्यक्ति यहां पधारा है। मैं वाकई में इनको नमन करता हूं और इनके क्रांतिकारी को सलूट करता हूं कि जिंदा होने का, आदमी कहते हैं जिंदा होते हैं, मगर जिंदा होने के लिए जिंदा होना साबित करना पड़ता है, और वो साबित आज आप सबने साबित किया है कि सुजला जिले की मांग है वो आगे भी रहेगी, चलती रहेगी। अब मैं ज्यादा न बोलकर बहुत ही संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं कि ये जो जिले की मांग है ये काफी वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अभी मुश्ताक जी ने कहा कि हमारे साथियों पर मुकदमा, 200 साथियों पर मुकदमा कर दिया है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 200 साथियों पे कोई मुकदमे नहीं हुए हैं, केवल 5 साथी हमारे
और 5 से ज्यादा हम जेल में जाने भी नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे कि हम ही मुकदमे में जेल में जाएंगे, आप लोगों को कहीं हाथ नहीं आने देंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं कि हमारे संघर्ष मोर्चा के 5 आदमियों के नाम दिए तो हम 5 जेल में जाने से तैयार हैं। अभी तो इसने 3 मुकदमे किए हैं, अगर ये 20 मुकदमे भी कर दे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर सुजानगढ़ जिला मिलना चाहिए। आज इस मंच से इन तमाम पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं जो वर्तमान में सरकार में है, कांग्रेस पार्टी को इसको मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, विधायक जी आप या तो जिला ले आना वरने अपने सीएम को यहाँ सुजानगढ़ में मत घुसने देना। वो सुजानगढ़ में अगर सीएम आया तो यहाँ तांडव होगा, तांडव, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस तांडव में सबसे आगे मैं मिलूंगा आपको। और मैं जो बात मैंने कही है मैं उस पर खरा उतरूंगा। अगर सीएम सुजानगढ़ में आता है ना तो सबसे पहले उसको मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। भले मुझे जेल में पहले डाल देना और फिर सीएम को बुला लेना, मेरे बाहर जेल से बाहर रहते हुए सुजानगढ़ में सीएम को मत बुलाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानव बम बन सकता हूं मैं, मानव बम, ये मान के चलो मैं खुद बिरदाऊंगा, काले झंडे दिखाकर रहूंगा सीएम को। और कहते हैं ना ये नेता, नेता को कालो झंडो दिखाता नहीं आका तो होश ही उठ जावे। और मैं पहले पौधी का साथियों एक बार कहावत है कि बेचने वो छत्तो दिखा देने तब चिमके, बिन वो खुद नेता को नहीं कालो छत्तो देकर क्यों चिमका, तू खुद काली है। ये सीएम खुद इसने अपने साथ घात किया है और इस घात का बदला आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जब ये चुनाव में आएंगे ना। अभी तो इन्होंने विधायक जी ने अपने गेट बंद किए किसानों के लिए। मैं परसों पहले रोज उनके सीएम किसानों का आदेश हुआ था कि अपनी मांग है वो विधायक को रखेंगे। मैं विधायक के घर पे गया, हमारे साथी विधायक किसान साथी इकट्ठे होकर विधायक के घर पे गए तो विधायक ने गेट बंद कर लिया और वहाँ पानी ने तक नहीं दिया, वहाँ बैठने के लिए अपने घर में छाव तक मैं नहीं डाले दिया। ये नहीं कहा कि आप अंदर आके बैठ जाओ, मैंने उनके लिए कहा भी था, मीडिया को भी कहा था, ये कैसा विधायक है जो किसान यहाँ अपनी फसल की मुआवजे की मांग करने आते हैं तो गेट बंद कर लेता है। किसान साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ये विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र में आए तो इसे पानी का भी मत पूछना। जब हम जिले की मांग लेके चलते हैं तो ये जयपुर जाके बैठ जाता है और जब किसान अपने फसल के मुआवजे की मांग को लेकर आते हैं तो ये गेट बंद करके बाहर भाग जाता है। आड़े दो चुनाव आ रहे हैं, इन 3 दिन है ये चुनाव आया अरे तो फिर लो अरे मेरी लार लार फिर ला इन 2 गांव ज्यादा नहीं काटिया तो मारो नाम बनवारी बिजारी बनी 2 गांव बेची काटू। जिलो लिया हुए तो ठीक है, अगर जिला नहीं मिला सुधला तो असमझे को चिल्लो उतार छोड़ना, गहलोत साहब को सागे 3 विधानसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। लाडनू सुजानगढ़ और रतनगढ़ तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी हर व्यक्ति के पास जाएंगे, पग पकड़ से अभी का हाथ जोड़ से अभी ने क्या साथियों अब की बार तो ये पार्टी अगर अपन जिलो नहीं देवे तो आगे सारे गोदड़ो भलाई अपन नाटो पर ही वोट दे ये सब सागे हो गए तो अभी बात पर एक नारो लगावा, नारो लगाना ही था हमारी आदत है। अरे बनाना होगा सुजला जिला बनाना होगा, अरे बनाना होगा सुजला जिला बनाना होगा, अरे बनाना होगा सुजला जिला बनाना होगा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, मजूरा हल्ला बोल, अरे लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद साथियों, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पब्लिक ने देख रही है लाग है कि सुजानगढ़ की पब्लिक तो जीवती है,
सुजला जिले की पब्लिक तो जिंदी है, लेकिन ए नेता मन जिंदा लाग रहा होने। अब आज 10-12 दिन से ली मैं आयो ना, 10-1 जना बड़े कोई ना हो बंद हो गयो भटे बेला हो गया तो गेना नहीं मैं पढ़ो गे ये सुजला जिला ने क्या सारे को नहीं आवे। दूसरी बात एक हमारी समिति का लोज का गाँव में जावे मीटिंग करे नुक्कड़ सभा करे बीजेपी वालों को पहचान में पहुंचा हमारे सभा का मायने कांग्रेस वालों को तन्ने भी पहुंच रहा है। अरे तो आने पूछो थाने जाओ खड़े है 5-6 महीना ही बाकी है, ज्यादा टाइम बाकी को नहीं है। बनवारी दी बिजाई अबार के रहा के गेलोट ने कालो झंडो आने के रहे मारो थाले ना दो तैयार पड़े है गेलोट आर देख लीजियो। अरे जगदीन अजगर ऐसे गेलोट सुजानगढ़ की सीमा में एंट्री करी ने जगदीन अरे सुजला जिला का बोर्ड लगाए रहा का मैं तो बना लियो थारू हो गया कर ले। अरे बनवारी दिन में 10 बार गए दियो वकील साहब ने दीतवार को दिन दे दियो पटवारी ने ले लियो सागे पाया भर दियो बोले मैं तो बना लियो कह लो थारू हो गया कर ले बाद में ज्यादा गिरी करनो पड़ी। ये वास्ते आ नेता ने मैं बार बार कह रही हूं कि ये नेता चुनाव आ दिन दो ने पीड़ा चौवन बार पति बाप रहे क्या मंदिर है आज तो हमें मानते हैं पीड़ा चावल। अरे पब्लिक धूप के मायने बैठी है आपने कोनी बैठो धूप में बैठो तो इधर बहुत नेता में लगा के आपने सागे शतरंज और लूडो खेले है ने आने पता से आप चुनाव आगे आ रहे हैं अबे नेम प्लेट लगा रखी है फलाड़ो पार्षद फलाड़ो सरपंच अरे थारो बाप दादो लगे हो चुनाव खींचो सरपंच गाजी तो गले नहीं पड़ी थारी नेम प्लेट लगा घूमे अच्छे आन की एक की भी हिम्मत होनी कि अरे पब्लिक के बीच आ मैं 2 शब्द दे सकूं। जब गोपा सर पूरे के नीचे जब लोग हजारों की संख्या में बैठा हर समाज का लोग यार कोई बंदोर होनी खा ले डीजे ले ले सब जारिया बढ़े जात समाज गए हो माली समाज गए हो कुमार समाज गए हो हरिजन समाज गए हो प्रजापत समाज गए हो लेकिन आ लेता लो मारे ठाकुर कुर्सी समाज है खाली 2 मिनट भाषण देता बैठे यार कोई बापड़ा भगत सिंह देश ना जा हम कोई कह रहे नेता कोई ठीक है बाद के मायने ले ली गई और निकल रहा कोई चोर निकले सिर्फ क्या वास्ते के मारी फोटो आ गया आगे फोटो है ना कोई गद्दे पर भी खा रही थी फोटो खिंचवा ले थी ये वास्ते वो हमारे कुर्सियां खाली दिखे है ना बाहर नेतो आ जाने 5-7 तो खाली धर्मशाला का उल्टा लटके रहा ना दे दशे की नीचा बजे रहा लगे लेकिन आप नेता का भाषण सबनी अरे ये सुजला जिले के लिए अगर जो आदमी सुजला जिले के लिए जो योगदान नहीं दे सके ने वो देख लो की काबिल बोनी के क्या मैं योगदान बोल दे सो अब चुनाव आगासी ने जरा ये रात तो फीसी जाना में कहीं हिलकायरो गंदे खा जाओ लेकिन अब आगे हिम्मत को नहीं कर पब्लिक के बीच मारे 2 बात के लिए अब ऐसो गेलो छो मिलने को नहीं अरे लुकेड़ा थे बैठे हो अरे माने बताओ नेता ला सागे सागे ऐसो गेलो जाना तो है के थाने ये वास्ते एमएलए भी यहां को नो चाहिए कह रहे गांधी चौक में आवाज लगावे तो विधानसभा तक कूद नहीं चाहिए के कोई सुजानगढ़ के मायने जीव तो नहीं ले अरे वो बीजेपी वालों का मैं बना दिया कांग्रेस का मैं बना दिया छह मर गया पहले बीजेपी को बना देता हम वो जताएंगे बनावे एक ही गोली अब ये बार गांव में घूमे के भाई जी ठाकारो आदमी तो वो चुनाव लड़तो दिखो लड़सी थारे बाप के सारे है थारे बाप की बापोती है लेकिन तो लड़सी चुनाव अरे थाकी तो मैं बकवास 25 साल सुन लिया मैं अरे 2-4 महीना रोड़ो करने लग गया थारे दर्द हो गयो अगर दर्द हो गयो जो को आर बात के लिए ए बार करा मुकदमे की बात बिल्कुल मैं कह रही हूँ अरे कोई अगर भी कोई रिश्तेदार या कोई बैठे है तो मुकदमा 10 कर दीजियो बिल्कुल पीछे टनाला मुकोनिया में मुकदमा पीछे शिशु खाया और खाले श्या जिले वास्ते अगर जेल भी जानो पड़े तो आगे सागे बिल्कुल में सागा कोई है जो को देख श्या कौन मुकदमा करे और कौन गाय करे ये वास्ते आज काफी भाई लोग आए रहे गाँव श्यामी लेकिन शेर के लोगों मन शिकायत है कि अत्ता लोग आया बोलिया बाल गांव का लोग याद है आने बहुत बहुत धन्यवाद और बीजेपी का गया राठौर साहब है छापर पूरी के ऊपर क्या मैं 6 फुट 2 इंच को हूँ देखने गया कोई बीजेपी को कार्य कर समाचार के दीजो क्या स्टेज हूँ खान भाई याद करियो
क्यों मैं थारी विधानसभा के मायने वो थारो मुद्दो रखू जी लगो अरे मुद्दो रखी तो भी अभिषेक नेची ने मना नहीं वो थारी बीजेपी को जो है वो भी बड़ी जिले की मांग कर रहे ये वास्ते मैं ज्यादा आज बकवास कर गुरु बहुत होगी बहुत और भी लोगों ने मौको देना है बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। वर्ष की कड़ी में आम सभा हो रही है इसमें संपूर्ण सम्मानित मंच और दूर दूर से गांव से आए हुए अपने किसान काम को छोड़ के यहां उपस्थित हुए उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा बात आई कि जिले की निश्चित रूप से हमारा सुजानगढ़ सुजला जिला सारे मापदंड जिला बनने के पूरे राजस्थान में मापदंड जिला बनने में जो रखता था वो सुजानगढ़ एक नंबर पे और ये मीडिया के माध्यम से भी और सभी सर्वे के माध्यम से भी 17 तारीख से पहले सभी न्यूज़ में ये आ रहा था कि जिले की घोषणा होगी तो सुजला जिले की घोषणा होगी। लेकिन साथियों बड़ी खेद की बात है 17 तारीख को 19 जिलों की घोषणा की और उस 19 जिलों में सुजानगढ़ का और सुजला का नाम नहीं आया। तब सुजला क्षेत्र के लोगों में जन आक्रोश आया सुजला क्षेत्रों के लोगों में दुख महसूस इस बात का हुआ कि सरकार के द्वारा नए जिलों की घोषणा की उन घोषणा में सारे नियम कायदे सारी योग्यताओं को दूर रख के मनचाहे जिलों की घोषणा कर इस बात का लेकर घोषणा क्योंकि नए जिलों की घोषणा से पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही थी कि उन जिलों को बनाया जाएगा जिनमें 100 किलोमीटर से दूरी जिला हेडक्वार्टर से अरे हमारा तो 180 किलोमीटर चूरू से लालगढ़ पड़ता है। इस बात का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो बात कहां गई इस बात का दुख था जनता के अंदर और निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता को सुजला क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना पार्टियों के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि आज सरकार को इस बात का सोचना पड़ रहा है कि यह आंदोलन कब शांत हो क्योंकि सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि बहुत सारे साथियों ने कहा कि आने वाला विधानसभा रफीक भाई जी करिया की 3-4 दिन यानी बहुत कम नजदीक समय में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हम इस बात के लेके कि चुनाव की जो जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ जनहित संघर्ष मोर्चा सुजले जिले की मांग के लिए खड़ा हुआ है ये बात जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती सुजला जिला बनने के लिए एक भी कड़ी खत्म नहीं हो जाती तब तक जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस दिन जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन निर्णय करेंगे कि ये जनहित संघर्ष मोर्चा आगे क्या करता है। आज हम सारे पार्टियों को और बड़ी खेद की बात है कि कल सुबह 6 बजे से लगे थे हमने प्रत्येक सुजानगढ़ छापर बिदासर सभी वार्ड मेंबरों को सभी सरपंचों को आमंत्रित किया था कि आप इस सुजला जिले की लड़ाई के लिए आज आम सभा हो रही है इसमें दल बल के साथ आए। साथियों जब नेतृत्व बनाया जाता है हम पदाधिकारी बनाते हैं वार्ड मेंबर जिताते हैं सरपंच जिताते हैं एमएलए जिताते हैं और अन्य जिला परिषद ब्लॉक मेंबर जिताते हैं तो हमारी उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि कोई भी हमारे ऊपर दुविधा आए कोई भी हमारी समस्या आए तो उसके लिए जिसको हमने नेतृत्व पर चुनाव जीता के लड़ाया है वो नेतृत्व हमारी बात को खड़ा करे। अरे जब 17 तारीख को जिलों की घोषणा नहीं हुई थी उस जिले में सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था उस समय के बाद में पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी तो उस समय
हमारे जो पदाधिकारी हैं, वार्ड मेंबर है, सरपंच है, ब्लॉक मेंबर है, जिला परिषद है, एमएलए है, विपक्ष है, सबका दायित्व बनता था कि इस जिले की मांग को लेकर लड़े। साथियों, बड़ी खेद की बात है, जो वर्तमान सरकार है वो विकास के कार्यों को गिना रही है और जो विपक्ष है वो विकास के कार्यों में कमियों को लेकर गिना रही है कि वहाँ डपोकड़ा पड़ गया, वहाँ अनियमितता हो गई। अरे सुजानगढ़ की, सुजला क्षेत्र की जनता तो जिले के लिए बात करने सुनना चाहती है, जिले के लिए आप क्या कर रहे हो ये बात सुनना चाहती है, वो विकास कार्य के लिए आप क्यों बात कर रहे हो। आज सुजानगढ़ की क्षेत्र, इस क्षेत्र की सारी जनता सिर्फ जिले की बात सुनना चाहती है, जिले के लिए आप क्या कर रहे हो इस बात को लेकर आप मीडिया के माध्यम से गांव में जाके बात कीजिए। आप जिले के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए और माननीय मुख्यमंत्री से दबाव बनाइए कि हमारा क्षेत्र सभी मापदंडों से जिले की मापदंड रखता था तो इसको जिले की सौगात दे, अन्यथा हमारा सुजला क्षेत्र जो लाड़नू, सुजानगढ़ और रतनगढ़ में आपको इस बात के लिए अगर जिला नहीं बना तो निश्चित रूप से आपको क्षति होगी। इसलिए आप लोग और हक रखते हैं, इसलिए इस सुजला क्षेत्र की जनता को जिले की सौगात दीजिए ताकि सुजला क्षेत्र की जनता अपने घर में अपने परिवार के साथ जाए। सभी का तहे दिल से पुनः धन्यवाद। साथियों, मुकदमो की बात आती है, मुकदमे होते रहते हैं और मुकदमे बड़ी दुख इसलिए है लोगों को कि ये शांतिपूर्ण 7 दिनों तक चक्का जाम चल गया था, इस बात के लिए आज 3 महीने बाद में मुकदमे लगा रहे हैं। साथियों, बड़े खेद की बात है, लेकिन मुकदमे होते रहेंगे, मुकदमे चलेंगे, लेकिन हमारी टीम इस जिले की मुहिम को जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक लड़ते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष एडवोकेट राम गुआर जी मेघवाल साहब जो भी हमें आदेश देंगे हम सिपाही के रूप में इनकी आदेशों की पालना करते हुए लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। पुनः सबका धन्यवाद, सलूट। लेकर खाजा तो सजगा बाकी जानवर आ देखियो भाईड़ा काईगरा क्यों राजा है जब वो चेंज करनो पड़सी और चुनाव करा जा सगड़े जंगल में बुलाओ करवा दियो कभी फलानी तारीख को चुनाव है। अब शेर रेखे शेर चुनाव लड़े अरे क्या बांदरो चुनाव लड़े अब शेर के आप वोटमन लेनो है जहां डरता सगड़ा यहां मरे कहा भाई वोट में तन देखा पर वे भी शेर परेशान आ भी बांदरे की हो देख भाईड़ा मैं वोट तन देखा लेकिन हाथों में डरता बिगान भरनी पड़ सी मारी मजबूरी। अब वे देखियो बांदरन राजा बना दिया जब माका जका बच्चा है वे सुरक्षित रेसी भी शेर हूं चुनाव हुआ और बोर्ड देर बांदरन राजा बना दियो। अब 2-4 दिन हुआ और वो शेर एक दिन कहेंगे हो वो जंगल के मायने पैसो हो या बकरी को बची हो दिन उधार ले गयो आया राजागन के राजा साहब शेर है जो मारे बच्चे ने उधार ले गयो और दे फैसलो करो और मारो बच्चों मन पासो दिलाओ। अब भाई बांदरों लागियो कणाई ई डालेर कणाई बी डालेर कणाई बी डालेर कणाई ई डालेर घंटा भरता है रामायण कर क्यों राजा मारो बच्चों तो थे छुटार को लिया क्यों देख भाई की कह तू मारी मेहनत का मायने तो मैं कमी छोटी को नहीं अब मौत के सामने तो मैं किया जाऊं पर मारी कोई मेहनत में कमी नहीं है तो तू बता क्यों मेहनत में कमी को दी क्यों इनाड़ा उम्मीद डाला गोद गोद भी डाला उम्मीद डाला गोद गयो लेकिन जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका इन वास्ते ए आवेला
अपन केवल के जिले के खातर मैं घरों प्रयास करो। मैं जयपुर में विधानसभा में मैं बोलिया विपक्ष का नेता है बेबी केला प्रतीकता भी शेर के सामने लड़ो या भी के सारी बन गयो इस वास्ते तो मुंडा के आने वाले टाइम में ध्यान रखने की बात है। अब हमारे बीच में हमारे जनित संघर्ष मोर्चा के साथी भाई बनवारी जी बिजाणिया ने कहा कि हम पांच व्यक्ति जो समिति के हैं सिर्फ हम ही जेल जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि जनित मोर्चा के अध्यक्ष जो भी आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर पानी सर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम जनित मोर्चा के पूरी टीम जेल जाने के लिए तैयार है और चाहे कितने भी मुकदमे लगे हम सब सहन करेंगे। और इसी के साथ में हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भी। इंकलाब हम उस भगवान कृष्ण के वंशज है जिनका जन्म भी जेल में हुआ था। हम मुकदमों की परवाह करने वाले नहीं है, हम आंदोलन करने वाले हैं। हम हमारे हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई में अगर गोली भी खानी पड़े तो हम उसमें भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इस मंच पर उन शहीदों की प्रतिमाएं लगी है ना कि उन माफी वीरों की। हम इनके वंशज है चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमने इनसे ये सीखा है जिनकी ये प्रतिमाएं लगी है मंच पर शहीद सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की, जिन्होंने 23 साल की उम्र में इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। आज हमारे बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के होकर के चले जाते हैं, लेकिन हमारी आने वाली तीसरी पीढ़ियां उनका नाम तक भूल जाते हैं, बल्कि वो 100 बीघा खेत छोड़ जावे, लाखों रुपया नकदी छोड़ जावे और जमीन और जायदाद छोड़ जावे। इसीलिए कहते हैं ना कि जन्नी चने तो ऐसा जने, जन्नी चने तो ऐसा जने के दाता के सुर नहीं तो रिजे पांधरी वाहे गवाए नूर। हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, इसीलिए इस जिले की मांग को हम और मजबूती से लड़ेंगे। साथियों क्रांतिकारियों की संख्या कभी कम नहीं होती है। जब शहीद भगत सिंह देश के आजादी के समय गांव में जाता था तो गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस समय यह भय था कि अंग्रेज अगर भगत सिंह की बात को सुनेंगे तो काले पानी की सजा दे देंगे, कई जेलों में डाल देंगे। आज साथियों उन शहीदों की वजह से हम इस बस स्टैंड के ऊपर लोकतांत्रिक ढंग से शासन और प्रशासन के खिलाफ अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि उन शहीदों की देन है। हमें आज सर कटाने की जरूरत नहीं है, आज सर गिनाने की जरूरत है। इसीलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों आप अपने आप की जो संख्या बल है उसको कम मत आंकना। क्रांतिकारी उन हजारों माफी वीर गिद्धों के सामने एक क्रांतिकारी की संख्या बहुत होती है। इसीलिए आप मजबूती से डटे रहना, निश्चित ही हम जिले की सौगात लेकर के रहेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जिले की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वो कुछ किसान परिवार से, हम उस मेहनत कश मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं। जब दिल्ली की सड़कों पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो देश के तानाशाह मोदी जी को भी घुटने के बल लाने का काम किया था इस किसान परिवार ने। जब बिजली का आंदोलन हुआ था लाला करसाना के किसानों ने और राजस्थान के किसानों ने जयपुर कूच किया था तो उस महारानी मुख्यमंत्री वसुंधरा को भी घुटने के बल लाने का काम किया था। और हम सुजला जिले के वही लोग हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी घुटने के बल आना पड़ेगा अगर 3 विधानसभा सीटों का जिताना चाहते हो, अन्यथा ये जनित संघर्ष मोर्चा के साथी
तमाम गांव गांव और ठाणी ठाणी जा करके अलग जगाने का काम करेंगे कि सब सुजला क्षेत्र की जनता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये रहता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में एसी के कमरों में बैठे थे। इसीलिए जैसा कि एक काल मार्क्स ने एक बात कही थी कि हम किसान मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं, हम पशुपालन करने वाले लोग हैं, तो हमें पशुओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। अब आप बकरी पालन वाला लोग हैं, अगर गाय और भैंस ने एक टाइम खल नहीं दिया तो बात दूध आधो कर दे, अगर पांच चार टाइम दे खल नहीं दो सफा लाता की दे लाग जा और सफा सूख जा, सूख जा तो सूख जा। इस वास्ते अब विचार करने की बात है कि जगह लोग ने 70 साल अपना अनारा बूढ़िया और अपनी पीढ़िया अनखोर देता आ रहा है और आज भी इस देश को किसान और मजदूर सुंदरा क्षेत्र की जनता आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई और आज भी वो अत्याचार और अन्याय कम को नहीं है। इस वास्ते अपन पशुओं भी शिक्षा लेनी है कि एक टाइम खल नहीं दिया तो तू दादो कर दे और पांच टाइम नहीं दिया सूखा दे और लाता फेंकने लग जा, तो 70 साल को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाया का तो काम कर नहीं तो प्यार है। साथियों समय बहुत कम है, गर्मी का समय है, अब हमारे बीच में क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस किसी को किधर नहीं जाते हैं, नाटो को वोट मारो, जितने बार वोट हो नाटो को वोट मारो, बीच में गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जिला बनाओ, कितने परसेंट होते हैं नाटो के मेरे को मालूम नहीं है, जितने परसेंट होते हैं उससे डबल नाटो मार दो, कोई भी पार्टी का जाने की जरूरत नहीं है, नाटो मारते रहो, जितनी बार चुनाव नाटो मारो, बीच में ये जिला घोषित करना पड़ेगा इन्हें। मेरे हिसाब से अगर नाटो मारते जाओगे तो इनको झुकना ही पड़ेगा, नहीं पार्टी में जाना है, कोई भी एमएलए आए ये बोले ना भाई साहब ने कि शेर अगर ये मारते रहोगे तो बंदा तो बेचारा भागता भागता फैसला नहीं कर सका, लेकिन आप अगर ये नाटो मारते रहोगे ना तो झुक करके फैसला ऑटोमेटिक हो जाए, वो बीमार हो जाएंगे, शेर तो बन के घूम रहे ना लोग, ये बीमार हो जाएंगे कि हम बकरी का बच्चा तो नहीं सुअर का बच्चा भी नहीं उठा सकते। धन्यवाद भाई, धन्यवाद हमारे हम ये जो आंदोलन लड़ रहे हैं आज हमें 88 दिन हो गए, 88 दिन सड़क पे बैठ करके ये आंदोलन कर रहे हैं, इन 88 दिनों में सुजानगढ़ के व्यापारियों ने हमारा इतना शानदार साथ दिया, अपने 7 दिन तक प्रतिष्ठान बंद रखकर उनका भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। गांव-गांव से प्रत्येक गांव से घर घर से इस आंदोलन में जिन्होंने भी साथ दिया है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों ये जो टीम है हमारी जनहित संघर्ष मोर्चा की, ये इतनी मजबूत टीम है कि आज हमारी जनसभा हो रही है और इस मजबूत टीम से घबरा करके राजनीतिक पार्टियों ने इस जनसभा को फेल करने का इतना बड़ा प्रयास किया, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में अपने घरों से अपने साधन लेकर के इस धूप के अंदर यहाँ पर आ रहे, आप लोगों का बहुत बहुत दोस्तों ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये सुजानगढ़ के भविष्य की लड़ाई है। जिस दिन हमने ये लड़ाई शुरू की थी तो मैंने और मेरे सभी टीम के साथियों ने ये प्रण लिया था कि ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक सुजानगढ़ सुजला जिला घोषित नहीं हो जाता, और उस समय हमने ये विचार किया था कि ये लड़ाई कितनी लंबी जा सकती है, तो हम लोगों ने विचार में ये प्रस्ताव रखा था कि ये लड़ाई 1 साल भी लड़ी जा सकती है
और 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। अभी तो 509 दिन हुए, इसलिए हम हार मानने वालों में से नहीं है ये, क्योंकि जब हमने धंधा शुरू किया था उस समय हमने 10 साल का तो टाइम फिक्स किया था, 10 साल भी लड़ना पड़ सकता है। अभी तो 509 ही दिन हुए हैं, हम अभी तक थके नहीं हैं। आप लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर जोश ज्यादा आ जाता है और फिर उसी कड़ी में हम लग जाते हैं। दोस्तों, आज ये जो जनसभा बुलाई है, 21 जनवरी को इससे पहले एक जनसभा हुई थी, उसमें सभी नेताओं को बुला करके ये कहा था कि आप रामकुमार मेघवाल को छोड़ दो और आप नेतृत्व करने वाले लोगों कोई भी एक आदमी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू कर दो, हम आपके साथ हैं आप। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी जनता संघर्ष मोर्चा की, उसी मंच पे कहा था कि आप लोगों ने ये हाथ फूल और बोतल के जो गड़पटिए गाल रखे ये निकालने पड़ेंगे और ये निकाल करके 1 महीने आंदोलन कर लेना, आपका आंदोलन सफल होगा और राजस्थान सरकार को सुजानगढ़ सुजला जिला देना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने हमारी बात नहीं मानी। उस समय मैंने उनको थोड़ा लताड़ा भी था, उनको कहा था कि अगर आपने सुजला जिले की लड़ाई नहीं लड़ी तो जनता आपको गांव में नहीं घुसने देगी, दूत भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथी नाराज हुए थे और आज कह रहे नहीं आपने उसमें बात सही कही थी। राजनेताओं ने वास्तव में बड़ा धोखा किया और बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर भी हैं, वो भी जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मैंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ सुजला जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों ने धोखा दिया है सुजानगढ़ की जनता को, सुजलांचल की जनता को। कैसे धोखा दिया? हम बैंक में जाते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे नेता कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी जिला बनाएगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी या हमारी आरएलपी बनाएगी, कोई नहीं बनाने वाले, सब खिलाफ करे आपके। कैसे करे मैं बताता हूँ। 17 मार्च को जब जिले की घोषणा हुई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 19 जिले बना दिए लेकिन आपका नाम नहीं आया, कांग्रेस की सरकार आपके खिलाफ। उससे पहले 2008 में प्रतापगढ़ जिला बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी हमारा आंदोलन चलता था, जो आज सुजानगढ़ जिला नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके साथ धोखा किया। उससे पहले 1997 में करौली जिला बना था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भी उस समय भी नहीं बनाया। और उससे बैक में जाए तो 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जिला बना था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भी सुजानगढ़ सुजला को जिला घोषित नहीं किया, क्योंकि हम 50 साल से सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आंदोलन लड़ा, कन्हैयालाल जी सेठिया ने आंदोलन लड़ा है और बहुत सारे लोगों ने आंदोलन लड़ा है। हम बार बार सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग कर रहे हैं, इन पार्टियों ने जिले बढ़ा दिए, 19 और 3 कितने जिले बनाए हैं पिछले 31 साल के अंदर 22 जिले बने हैं और हम 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला नहीं दिया, इसलिए क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी दिमाग में खोट है, ये खोट आपको निकालनी पड़ेगी। अभी बात चल रही थी कि जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव लड़ेगा और ये राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी करती है कि रामकुमार मेघवाल चुनाव लड़ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी जेब में तो गांव जाना कोई किराया बोली, 3 सालों धंधे पर बैठे हूँ, ये चुनाव लड़ने की बात हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जनहित संघर्ष मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनाव में ये हालात जरूर पैदा कर देगा कि ये नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जनता चुनाव लड़ेगी। अपनी बात साथियों दोस्तों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नेताओं का आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन है। अगर सुजानगढ़ सुजला जिला घोषित होता है तो ये नेताओं की वजह से नहीं होगा, ये जनता की वजह से। आप उनको भागवत जी का जो लेटर दिलवाया था उसके बाद में ये सुजानगढ़ में बड़न जैसा हो गया। हमने कोई बुरा नहीं किया उनके साथ में, मैं तो मैंने सुजानगढ़ में बड़न जैसा कर, और पहले आ जगह मिले आपना, जनता सड़क पर आई
जमा ने गर्मी लगने लगी गोवा के बीच पर भटजा भुट्टे मनाने चले गया। तो साथियों ये आंदोलन आपका है, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब 18 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था उस समय मैंने सभी पत्रकार साथियों से कहा था कि ये जनता का आंदोलन है, जनता लड़ेगी। हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो कमजोर हो सकता है लेकिन जनता कमजोर नहीं है। हमारी जो जनता है वो जिंदा दिल जनता है और ये जिंदा दिल जनता ही इस आंदोलन को लड़ेगी। और आज 88 दिन से ये जिंदा दिल जनता ये आंदोलन लड़ रही है। दोस्तों वजह से मुकेश जी बाकन ने नहीं लिखा लेकिन हम लोगों ने लिखवाया। उसके बाद सरकार ने कहा कि रतनगढ़ का राजनीतिक नेतृत्व है, रतनगढ़ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो आपके साथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन रतनगढ़ के नेताओं ने नारायण सिंह जी मगरा सर मंच पे आए, नेता है चाहे भारतीय जनता पार्टी को नेता है चाहे आरएलपी को नेता है, फिर रतनगढ़ में जिकी सुजानगढ़ की पंचायत लगे दोनों दिन आज के बाद थांगी टूटी है। क्या गांव के मान जा रहे हो प्रचार करो ला, क्या चाहे कांग्रेस को नेता आवे चाहे भारतीय जनता पार्टी को नेता आवे, सुजला जिले की सात बंदियों आज के बाद गांव में कोनी घुसन दिया कर से हो बंद कर से हो। और जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है उनको गांव में मत घुसने दो। आप अपने गांव के सुजला जिला अपने आप ही बना देंगे। ये आज के बाद आप एक काम कर लेना, आप गांव के बाहर एक बोर्ड लगा देना कि नो एंट्री नेताजी और किसी भी नेता की जनसभा में मत जाओ। और ये जो नेताजी गांव में आए तो उनको कहो कैसे आया भाई, जिला लेके आया क्या कि नहीं लेके आए तो चालू पास अटे गांव में जिज्ञा को नहीं। लेकिन इसके लिए थाने थारे बच्चा के भविष्य के लिए जो गड़पटी है डाल रखी ये निकालने पड़ेंगे। हमारा जिला इसलिए नहीं बना कि हम लोग ये राजनीतिक पार्टियों के पट्टे डाल लिए, जैसे कुत्ते डालते ना उसी तरीके से पट्टे गलों में डाल लिए और हम पट्टों की लड़ाई लड़ते रहे और 19 जिले ले गए लोग हम ऐसी बैठते हैं। निकालोगे एक नहीं निकालोगे सारे के सारे। और मैं लागू बनवारी जी रामनारायण जी बितासर तहसील का मायने और रामनारायण जी हेला गोला सुजानगढ़ का मायने गवा का मायने चुनाव ना कोलडाला भाई रे चुनाव गड़े जाके करोड़ रुपया लगे 50-60 जी दे जोड़ा पचा वाली मार्गन तो 2-3 है मारी औकात थी कोनी चुनाव लड़ने की। बात है मैं थाने विश्वास लू कि यह सारी चीजें दरकिनार करते हुए हमें सुजानगढ़ सुजला जिला दिए। हम गांव गांव में जाएंगे और गांव गांव के अंदर जाकर के नो एंट्री नेताजी आप इन नेताओं को सबक सिखा दो और इनसे नाराज हो दो। आज जिस पार्टी से जुड़े हुए अपने नेता को फोन करके कह देना कि हम आपके साथ नहीं है नेताजी, हमें फोन मत करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर सुजानगढ़ जिला घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये डरते बहुत है, इनको जब पता चल जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को कि जनता अब हमारे साथ नहीं है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों ये आंदोलन मैं और मेरे जो टीम के जो साथी हैं इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचाया है। इस आंदोलन में हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे, मंचों से हमें गालियां निकाली गई हैं, राजनेताओं ने गालियां निकाली हैं, बहुत सारे लोगों को बरगला करके हमें गालियां निकाली, व्यक्तिगत आरोप लगाए, मुकदमे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं ये मुकदमा हुआ ना हमारे ऊपर, ये जो राजनीतिक पार्टियों ने हमारे ऊपर मुकदमा करवाया है, ये जो दो धाराएं लगी हैं, ये दो पदक हैं हमारे लिए। हम बड़े शान से गड़े में डालेंगे और जेल जाना पड़ेगा तो 5 आदमियों के हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, 5 आदमी तो हम जाएंगे, छठे को नहीं जाने देंगे। अगर छठा जेल जाने की स्थिति में आया तो फिर छठा नहीं जाने जाएगा, लाख लोग जेल जाएंगे, देखते हैं राजस्थान सरकार में कितना जोर है, हर घर से जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये राजनीतिक फोबिया छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 17 तारीख बाद में आपने देखा सभी नेताओं को आए आपके पास नहीं आए। बोलते हैं आपके पक्ष में नहीं बोलते। हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन नालायकों ने और ये कह रहे हैं
कि ये रामकुमार मेघवाल उनकी टीम गलत है, हमारे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं। 3 महीने बाद के अंदर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। अरे इनको ये पता नहीं है कि 21 जनवरी 2022 को जब हमने आंदोलन शुरू किया था उस समय पहली शर्त थी कि जेल कौन कौन जाएगा, तो ये तो 5 ही आदमियों के उसमें 50 हाथ ऊपर थे क्योंकि आंदोलन करने वालों को जेल जाना पड़ता है। और हम ये जो हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है ये तो जेल गए, बाहर ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या प्रताड़ना दी थी, लेकिन ये प्रेरणा दे गए क्या कि जब जब पूंजीपतियों द्वारा और नेताओं द्वारा शोषण किया जाता है तब तक कुछ न किसी न किसी को तो आगे निकलना बाहर आना पड़ता है। और ये दलित संघर्ष मोर्चा आया बाहर निकल करके, मैं आपको और विश्वास करता हूं हमारा जो धरना चल रहा है ना बस एसडीएम कोर्ट के वहां 20 आदमी ऐसे आते हैं दिन में कि हम विधायक जी के पास जाकर के आए, पूर्व विधायक जी के पास जाकर के हमारा काम नहीं हो। रामनारायण जी तो पूरे दिन फोन पर लगे रहे, कहीं बिजली बोर्ड के माइन, कहीं नगर परिषद के माइन, कहीं थाना मुकदमो को लिख रहे। अरे तो थे जितना मांगे जाओ क्या मांगे बस की बात बोली, तो मैं एक चीज और कहूंगा अगर कोई भी समस्या हो तारो एमएलए या पूर्व एमएलए अगर बिल पूरी नहीं कर पाए तो दलित संघर्ष मोर्चा के अंदर आधी रात नहीं आ दिया वे तारा हर काम करा, तारा हर काम करांगा क्योंकि मन है क्या काम हुए। मैं बात की लाल की दरी रखा ना भी उठने बहुत ही है, कह करे यार बैठ गया तो उठने लगो नहीं, इस वास्ते फोन पर हमारा काम हो जाओ। और अब हम गांव में आएंगे आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे, देंगे दोगे, रुपया भी देना पड़ेगा राम कुमार में एक बार नहीं है कोनी वे मैं गांव में ना तो आग लगाऊंगा किराया कोनी है भाई रे आज भी लोगे कमायन ये आंदोलन में लाग रहे हैं बहुत सारा लोग के हैं चंदो करे भाई जी मैं चंदो क्या उगना बड़े मुश्किल हूँ लाग रहा ये चैनल दिया तुमने फिर भी घटे ही रहे 41,000 को तो पानी को भी लाइट पड़े दोनों टाइम आप फोन करें कर भाई 41,000 पानी वालों बिल तो दो घर मारे पर आरोप लगाओ मांग हल्ला कोई दिक्कत को नहीं आरोप कटाई लगा। दूसरो मैं ये जो बस स्टैंड के व्यापारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने 88 दिन तक हमें सहा, इन सबका व्यापार खराब हो गया इस धरने की वजह से मुझे पता है, इन व्यापारियों का व्यापार खराब हुआ है। इन्होंने उपखंड अधिकारी जी को शिकायत की थी कि इस धरने की वजह से व्यापार खराब हुआ है, हमने हमारी टीम ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका व्यापार खराब हो रहा है हमारा भी व्यापार खराब है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारे सुजानगढ़ के भविष्य की लड़ाई है, आप हमारा सहयोग करो। 88 दिन तक हम इनके बाहर बैठे हैं, कोई घर के बाहर पड़ से कर मैंने आर बैठ दिया अपन क्षोभ लागे भाई दोनों लागे ने अंक पड़ से आकर बैठे 88 दिनों और एक कई दिन ये झुंडा ही ऐसे तो ही देख रहे पर मन मन में कहे रुपया को नहीं कमा तुम आगे आर बैठ गए। तो आज आज के बाद ये जो हमारा धरना है हमने प्रशासन को कह दिया और व्यापारियों आप लोगों ने 88 दिन तक हमारा सहयोग किया और सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये जो बस स्टैंड का धरना है ये एसडीएम कोर्ट के सामने चलेगा निरंतर, आज 509 दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज के बाद ये यहाँ से धरना वहां स्थानांतरित करेंगे क्योंकि यहाँ हम सड़क पे बैठे हैं हमारी बात सुनने वाला ये दुकान वाले हैं या राहगीर हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आते, उन्होंने रास्ते ही चेंज कर लिए, अब वहां लाल दरी बिछाएंगे सभी मजबूती के साथ में। और आने वाले दिनों के अंदर हम कल या परसों के अंदर घोषणा कर देंगे, प्रत्येक गांव में वापस जाएंगे, प्रत्येक पंचायत में हम प्रदर्शन करेंगे और जो जनप्रतिनिधि है उनको मजबूर करेंगे, सब साथ हो ना। तो ये आंदोलन है और जो कोई नए साथी आए हैं हमारे और जो दलित संघर्ष मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं वो सभी साथी जो क्योंकि जगह दिल्ली में और जयपुर का मायने बैठा है ऐसे मायने बारे ठा पढ़ू दीजिए कि सुजानगढ़ का मायने धरनो चाल लियो है और आपाट सुता मंच पर विराजमान मंच जब बच्चा मदरसर से चूरू के लिए जाएगा बस में जाता है तो वहां पहुंचते 1 बजती है, कभी एसडीएम नहीं एसपी नहीं मिलता है, कभी कलेक्टर नहीं मिलता है, फिर अगले दिन वापिस लौट के जाता है, 2 दिन का किराया लगता है, समय खराब होता है, अगर गाड़ी किराए लेके जाता है
तो 5,000 रुपए गाड़ी का किराया लगता है, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं होता है। ये पूर्व में जब रियासत काल में सुजानगढ़ सुजला जिला था, लेकिन उसके बावजूद आज हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। जब स्टार्टिंग में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, सर्वे करवा रहे थे रामदुर्गी कमेटी से, उसमें हमारा नाम था, लेकिन जब जिलों की घोषणा हुई 16 जिले बन गए, उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया। वो सबसे बड़ी कमजोरी किसकी है? ये दोनों पार्टियों के जो नेता है ना, जो दलाल है, जो यहाँ के हारे हुए एमएलए और जीते हुए एमएलए, उनकी ये दलाली का ही ये कारनामा है कि आज सुजानगढ़ हमारा सुजला, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। वो ये आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो सब ये बैठे हैं कि हम अगर बोल गए तो पार्टियां हमारी टिकट काट देगी, आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। उनको इस चीज का भय है। मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को ये चैलेंज देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर सुजानगढ़ सुजलांचल जिला नहीं बना रहा, आपने हमारा साथ नहीं दिया, तो अभी चुनाव में कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने बचे हैं, आप गांव में आओगे हम आपको गांव में नहीं घुसने दे देंगे। और अभी दोनों ही पार्टियों के नेता गांव में फोन करके बोलते हैं कि थके कोई मरियो है तो माने बताओ नहीं मोह कांड मो कांड के चौका ही हो, बाकी थांगन की को नहीं थांगन ने तो कोई काम कराने है ने थांगन कोई जिलो बनाने है। क्यों के थे 73 साल होगा, एकर तो अटिन मोटोड़ो भाई आ जावे, एकर छोटियो भाई आ जावे, ते बारी बारी थंगा पासा पलटो, तेर मजा करो, और बांध सर गांव में थंगा गुर्गा पगलेड़ा है, बा गुर्गा का ते काम करवो, तेर दूसरे आदमी को ते कोई काम करो, उन कोई और करो। आज कणा तो कही कहते माखो एम एल ए को नहीं, कणा कहते माखो प्रधान को नहीं, माका फटेरा थाने 73 साल वोट जीता यार, मैं तो वही रांडी रोनो देखियो 73 साल के मायने की माके भलो कौन करियो। मैं दोनों पार्टियां खुलो मंच के माध्यम आई कहना चाहूँ कि अगर गांव के मायने आओ तो तने सोट मिलेला, वोट कौन मिलेला। अब एक बार मैं आप सबने अतो ही हाथ जोड़ विनती करूँ कि सज्जन हित संघर्ष मोर्चे की टीम आप बहुत लंबे टाइम और संघर्ष कर रही है, और एक खुद के आपके टाबरा के लिए कौन कर रहा है, पूरे सुजले अंचल के सबके बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन कर रहा है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल और अटांगे बीच के मायने पधारो, और वोट मिलेगा नहीं तो वोट की जगह आपको जो सोट मिलेगा, यही कहना है मेरा तो। और जो आज ये संख्या जो कम आई, इसके लिए आप संख्या की ये नहीं की, ये सभी कार्यकर्ता बंधु है और जो सुजला जिले में विश्वास रखते हैं वो पधारे हैं, और आगे अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है सुजला जिला बनाने को सरकार मजबूती और संघर्ष को पार करना है, और नेता आवेदा मांग करेला तो मांगा ने छोड़ दियो, अपनी मांग पूरी की जा पहली लोगों से आगे संपर्क फोन करना है। बहुत जय हिंद। संघर्ष में कभी आता नहीं, जैसे हमारे नारायण भाई ने बताया कि आजकल जगह नेता है वे वास्तव में मोखाड़िया नेता है, तो ही ध्यान रखे मोखाड़ जा रहा को, बाकी काम कराना को तो ध्यान 1% ही बोल रखे है। और रही बात जिले की मांग सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, लालनू विधानसभा क्षेत्र और हमारी रतनगढ़ में जो उदाहरण में दी हुई 13 पंचायतें, ये सब दिल से अगर चाहने लग गई कि सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाना है तो कोई नेता की ये ताकत नहीं जो हमारे जिले को रोक सकता है। वही अशोक जी गहलोत जो पिछले कार्यकाल में बोलासर आए हुए थे और किसान उनको एक लड़का लगाई कंप्लेंट छोड़ करके जयपुर आ गया, वही कंपल अभी पिछले टाइम मौला सर से लेकर के गया है, वही सीएम है, उनकी कोई ताकत नहीं इस पब्लिक के सामने। हमारी मांग मंजूर उनको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो सुजानगढ़ की पब्लिक, विधानसभा की पब्लिक ईंट से ईंट बनाने का काम करेंगे। इसी तरह आप हमारा हमारी टीम का मनोबल बनाते रहे, आप सभी का आभार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी बुजुर्ग।
और नौजवान साथियों को द्वारा पिछले 16 महीनों से ही आंदोलन कर रहा है। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 19 जिलों की घोषणा हुई है। तो पहले 3 जिलों की घोषणा हुई थी, 94 से लगा कर 94 भी हुई, हनुमानगढ़ की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद में 97 में करौली की हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद में 2008 में प्रतापगढ़ की जब घोषणा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अब 19 जिलों की जब घोषणा हुई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये दोनों पार्टियां नहीं चाह रही है, सुजानगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। और हमने जब आंदोलन शुरू किया था उस समय ये निर्णय लिया था कि हम उस समय तक आंदोलन लड़ेंगे जब तक सुजानगढ़ सुल्ला जिला घोषित नहीं होता था। और ये जो पिछले 88 दिन बीते हैं 17 मार्च के बाद में, यहाँ की जनता आंदोलन रही है, यहाँ की जनता उग्र भी हुई है और घर घर से आवाज भी आई है कि अब सुजानगढ़ सुजला जिला के साथ जो आपने न्याय अत्याचार किया राजनीतिक पार्टियों ने, अब ये पानी सब के ऊपर से निकल चुका है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आने वाले जो 17 दिन है इस जून में हमारी टीम है वो गांव की ओर कुछ करेगी, गांव के अंदर हम सभाएं करेंगे, बैठकें करेंगे, गाँव के लोगों से विचार विमर्श करेंगे, राय मशवरा करेंगे। उसके बाद में अगर हमें जयपुर जाना पड़ा, ये महत्वपूर्ण समय है और हम राजस्थान सरकार को बार बार ये अवगत करा रहे हैं, हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार अलग अलग इवेंट कर रहे हैं, और ये इसीलिए किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह प्रदर्शन हुई है जिलों को लेकर के, लेकिन वो ठंडे पड़े। सुजानगढ़ की एक ऐसा स्थान है वहाँ पे निरंतर आंदोलन जारी है और बड़े जोश के साथ आंदोलन जारी है, पूरी जनता के अंदर जोश है, हर घर के अंदर जोश है।